नमस्कार। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर समाज में बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से ठीक होने वाले मरीज़ भी ठीक नहीं हो पाते। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी अबाउट मिथ्स अबाउट कैंसर। जो सबसे कॉमन मिथ या जो डाउट लोगों को दिमाग में आता है वो यह है कि बायोप्सी करने से या टुकड़ा लेने से कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यह विचार बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी कैंसर टुकड़ा लेने से नहीं बढ़ता या छेड़छाड़ करने से नहीं बढ़ता, बल्कि उससे हमें कैंसर की वैरायटी पता चल जाती है और हम उससे, अगर हमें सही वैरायटी पता चलती है तो हम उसके ऊपर मॉलिकुलर टेस्टिंग भी कर सकते हैं और पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो इसलिए कैंसर की, यदि कैंसर का कहीं पर डाउट है तो उसके बायोप्सी या टुकड़ा करने से ना डरें। दूसरा, लोग यह समझते हैं कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज समाज इतनी तरक्की कर चुका है, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हमारे पास हर तरह के कैंसर का इलाज संभव है। इनफैक्ट पहली स्टेज में मोस्टली कैंसर्स को हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और फोर्थ स्टेज में भी हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी को अच्छी बना सकते हैं। तीसरा, हम लोग यह सोचते हैं कि यह छुआछूत की बीमारी है और यह कॉन्टेजियस है, तो एक घर में एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को हो सकती है और यह साथ में खाना खाने से या साथ में सोने से यह बीमारी एक से दूसरे को फैल सकती है। तो यह भी बिल्कुल गलत है। कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके परिवार में किसी को कैंसर आया है तो उनको भी कैंसर अवश्य होगा। यह भी एक बिल्कुल गलत भ्रांति है, क्योंकि सारे कैंसर्स हेरिडिटरी नहीं होते। सिर्फ 5-10% कैंसर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जो कि फैमिली में मदर से बच्चे को जा सकते हैं। जैसे कि कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, बट वह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी मदर को हुआ है तो आपको अवश्य ही होगा। सो सिर्फ 5-10% कैंसर्स हैं जो कि फैमिली में रन कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को लगता है कि कैंसर का उपचार संभव नहीं है। यह बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माइक्रोवेव का यूज़ करने से कैंसर बढ़ता है। यह भी गलत है। अगर हम सही यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो माइक्रोवेव यूज़ करने से कोई कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता। एक्सरसाइज करने से हमें कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है। तो अगर आप कैंसर होने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, योगा करते हैं, वॉक्स करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कैंसर से के रिकरेंस का रिस्क थोड़ा कम होता है और आप ठीक रह सकते हैं। स्ट्रेस करने से, कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेस लीड्स टू कैंसर, तो स्ट्रेस करने से और अन्य बीमारियों का खतरा आपको बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन मिथ्स को समझें, और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न आपके सवाल में है, तो बेटर है कि आप अपने लोकल फिजिशियन से या लोकल प्रैक्टिशनर से मिलने के बजाय कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर पेशाब की थैली में कोई गांठ है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और ताकि सही समय पे कैंसर का पूरी तरह से इलाज हो पाए और हम इस समाज को कैंसर रहित बना पाए। नमस्कार।